नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। जिला बालोद में बड़े बड़े ठेकेदारों ने ठेकेदारी कर रोड निर्माण में अपनी अपनी छाप छोड़ी, पर अजय कंस्ट्रक्शन दुर्ग के अजय वाफना द्वारा किए गए अनेकों निर्माण कार्य में सिर्फ गुणवत्ताहीन सामग्री परोसे जाने का मामला ही सामने आया है। बालोद जिला बनने से पहले भी दुर्ग अविभाजित में बाफना कंस्ट्रक्शन ने गांव गांव में सड़क मरम्मत और पेंटिंग का कार्य में सिर्फ लीपापोती कर शासन की राशि को जमकर डकारा और इस परिप्रेक्ष्य में दुधली से सुरेगांव तक प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत 19 किलोमीटर तक की सड़क चौड़ीकरण किया गया, जिसका टेंडर बाफना कंस्ट्रक्शन दुर्ग को दिया गया, जिसमें ग्राम खैरा के पास पुल बनाई गई जिसमें भारी अनियमितता बरती गई। फलस्वरूप जिला प्रशासन के अधिकारियों के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग गया, कई दुर्घटना घटित हुई, ग्रामवासियों का विरोध दिखाई दिया और दुधली में सड़क किनारे नाली बनाने के लिए 10 महीने पहले एक सप्ताह में नाली बनाने के लिए गड्ढे खोदे गए थे, लेकिन नाली निर्माण का काम अब तक पूरा नहीं हो पाया है। विभाग की मनमर्जी के कारण इलाके के लोगों के लिए नालियां नासूर बन चुकी हैं। इस ओर ना तो ठेकेदार ध्यान दे रहे हैं ना ही अधिकारी। यही बाफना कंस्ट्रक्शन दुर्ग है जो आज से 20 वर्ष पहले ग्राम संबलपुर के प्राकृतिक नर्सरी के बाजू प्लांट लगाया था, जिससे यहां पर के हरे भरे हरियाली पौधे की भारी क्षति और नुकसान पहुंचा था और दुर्ग जिला प्रशासन चुप्पी साधी रही। पर्यावरण और वन संरक्षण भी इस समय कार्यवाही न कर मौन धारण कर लिया। इस बाफना कंस्ट्रक्शन द्वारा कराए गए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में रोड सड़क की गिनती इतनी ही, चाहे भीम कन्हार से मुड़िया डामरीकरण, कापसी से परसा डीह डामरीकरण, हथौद से भंडेरा डामरीकरण और पुल निर्माण, खामभाट से फुल सुंदरी डामरीकरण, खामभाट से पिनका पार रोड डामरीकरण, केवट नवागांव से बीजा भांडा रोड डामरीकरण, सभी में भारी भ्रष्टाचार और अनियमितता बरती गई है। सुरेगांव के मेन रोड पर डांबर प्लांट में रोड निर्माण कार्य में लगने वाली सभी मटेरियल को बिना एसओजी लिए चारों तरफ डंप करना ठेकेदार की मनमानी दिखाई दी, पर शासन प्रशासन इसके द्वारा कराए गए कार्यों को गंभीरता से नहीं लिया। शासन प्रशासन को गंभीर होकर ऐसे ठेकेदारों के टेंडर को निरस्त कर बालोद जिले में ब्लैक लिस्ट कर देना चाहिए, जिससे गांव की ग्रामीण जनता को ऐसे ठेकेदारों से छुटकारा मिल सके। बन जाएगा तो अच्छा, आसरा के आने जाने लोगों को कोई परेशानी नहीं होगा, जल्द से जल्द बनाने की कृपा करें। आसरा से मैं संत राम सोनकर आसरा ग्राम से बोल रहा हूँ, और ये पुल जल्द से जल्द बन जाए तो ज़्यादा अच्छा है। मेरा नाम सत्यनारायण देशमुख है, ग्राम मालीघुरी दिदली रहता हूँ। ये बाफना कंस्ट्रक्शन के जो रोड बनाए हैं इतना गलत है कि जगह जगह गड्ढा खना हुआ है, आए जाए में इतना परेशानी आदमी ला, कभी मौत से गुजरना पड़ते हैं, कभी और कुछ भी आदमी घायल भी हो गए हैं। ग्राम आसरा का निवासी हूँ, कुकराम नाम है मेरा, और ये पुल का काम जो है बहुत धीमी चल रही है, इसमें बरसात लग जाएगा तो इसके बाद ये काम बंद हो जाएगा, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इसमें अधिक से अधिक लेबर लगा के जल्दी से जल्दी काम को पूरा किया जाए। हाँ, इसमें जो मटेरियल लग रहा है या सीमेंट जो लग रही है वो मात्रा से कम लग रहा है, गुणवत्ता इसमें कम है नहीं, तो इसमें कम से कम इसका जानकारी होना चाहिए कि कम से कम इसमें अच्छा ढंग से मटेरियल लग रहा है कि नहीं लग रहा है। बाफना कंस्ट्रक्शन द्वारा इस रोड को निर्माण किया गया है जो दुधली में रोड के किनारे गड्ढा कोड़ा गया है, वो गुणवत्ताहीन है और अभी तक रोड नहीं बन पाया है और नाली नहीं बन पाया है। सौरभ देशमुख द्वारा यहाँ पे गड्ढा कोड़ाया गया था जो नाली निर्माण के लिए, जो अभी तक नहीं बन पाया है। यहाँ पे आए दिन दुर्घटना घटती रहती है, बच्चे यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं जो कई बार गड्ढे में गिर गए हैं, जो चोटिल भी हुए हैं। वो अभी ऐसा है कि यहाँ पे रोड भी क्रॉस हुआ है जिसमें गाड़ी वाले भी कई बार गिरे हुए हैं। ऐसे ठेकेदार को जो 10 महीने से गड्ढा खोल के छोड़ा हुआ है, ऐसे ठेकेदार को तो ब्लैक लिस्ट में कर देना चाहिए।